जय हिंद जय भारत। मैं देवेंद्र सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल आईडी क्लासेस जयपुर। आप सभी का दिल की गहराई से हार्दिक अभिनंदन है। आज हमारे सामने आज खास मेहमान है। सबसे पहले तो मैं स्वागत करना चाहूंगा रीना आपका। कैसे हो? बढ़िया। सबसे पहले मैं आपको बता दूं रीना के लिए, रीना SSC GD का अभी इन्होंने मेडिकल क्लियर करके आए हैं और ये जर्नी इतनी आसान नहीं थी यहाँ तक पहुँचना। तो आज हम इनसे जानते हैं कि SSC GD के लिए बहुत सारे बच्चे तैयारियां करते हैं, काफ़ी बच्चे तैयारियां कर रहे हैं और बहुत से फॉर्म भरे जाते हैं, लेकिन सफलता सबके नसीब में नहीं होती है। एक अच्छा खासा स्कोर इन्होंने रिटर्न में लिया है और फिजिकल क्लियर किया है, मेडिकल क्लियर किया है और फाइनल इनका सिलेक्शन होगा। तो आज हम इनसे जानते हैं कि SSC GD के अंदर यहाँ तक कैसे पहुँचे और इनका संघर्ष क्या रहा, किस तरह से रहा। तो सबसे पहले तो आपको बधाई। थैंक यू सर। आपने जो ये मेडिकल तक पहुंचे हो, तो किस तरह से आपने, क्या संघर्ष रहा आज से पहले? जैसे बहुत से बच्चे जो भी आपका ये वीडियो देख रहे हैं वो कह रहे होंगे कि यार लकी है, ये तो लग गई नौकरी, ऐसा होता है, अधिकतर होता है, लेकिन उन्हें नहीं पता होता है कि इसके पीछे कितना संघर्ष था, इसके पीछे आपने कितनी परेशानियाँ झेली, कितने तकलीफें सही और कितनी मेहनत की है। तो जैसे इससे पहले भी कोई एग्जाम दिए थे क्या आपने? हाँ, तो लेकिन मैंने तैयारी SSC GD की थी। अच्छा, तो SSC GD की आप कब से तैयारियां कर रहे हो? मैंने सर 2021 में दी थी, तब मेरा पेपर तो क्लियर हो गया था लेकिन फिजिकल में रह गई थी। अच्छा, फिर बाद में मैंने वापस तैयारी की, फिर मैंने मतलब उस टाइम पे मेरे कमर में नंबर भी कम थे, फाइनल नहीं होता, लेकिन इस टाइम पे फिर मैंने सोचा कि नंबर अच्छे होंगे तो फिर फाइनल हो जाएगा, फिर मैंने अच्छे से तैयारी की थी 3-4 महीने। रिटर्न की आपने बढ़िया से तैयारी की और पिछली बार भी आपने दिया था लेकिन उसमें नहीं हुआ है, सफल हुए। जब असफलता लगी तब आपने क्या सोचा, क्या छोड़ो नहीं करना, या क्या क्या सोचा उस वक्त, क्या सोचा? नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं था, क्योंकि करना ही था तो छोड़ने का तो सवाल ही नहीं था कि छोड़ देंगे, तो फिर मैंने अच्छे से तैयारी की थी। आपने रिटर्न के लिए अब की बार कितने नंबर आए आपके? 126 नंबर आपके हैं। कौन सी कैटेगरी से? SC कैटेगरी से 126 नंबर, काफ़ी अच्छे नंबर हैं। तो ये 126 का जो स्कोर आपने किया है उसके लिए किस तरह से पढ़ाई की आपने, क्या स्ट्रेटेजी थी आपकी कि 126 का स्कोर लिया आपने? मैंने ऑनलाइन कोचिंग की थी, फिर मैंने जो मैंने नोट्स बनाए थे ना वो अच्छे से बनाए थे तो उन्हीं को रिवाइज किया था मैंने, बार रिवाइज किया। हाँ, और जो डाउट था ना तो यूट्यूब पे बहुत से चैनल है तो उनसे डाउट क्लियर किए थे फिर। बिल्कुल। तो आपने जो तैयारी की थी, आपका कहना है कि आपने नोट्स थे और नोट्स बनाए और उन नोट्सों से बार बार रिविजन किया, कि मतलब आपकी सफलता के अंदर आपका योगदान है कि आपका बार बार रिविजन करना, ये सबसे बड़ा अहम बात है। जैसे कि मैंने अभी सुना आपसे कि दोस्तों, जैसे कि मैंने बार बार आपको बताया है कि आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने वाले सिलेक्शन नहीं लेते हैं, सिलेक्शन लेते हैं एक लिमिटेड सिलेबस को बार बार पढ़ने वाले। और आपने कितनी बार रिवीजन किया हो? मैंने 3-4 बार रिवीजन किया अच्छे से। 3-4 बार रिवीजन किया, तो यही है मैंने जैसे आपको बताया है कि आप एक सिलेबस लो और उस सिलेबस को बार बार, उन्हीं चीज़ों को बार बार पढ़ो, ना कि बहुत सारी चीज़ें पढ़ना, उन्हीं चीज़ों को बार बार पढ़ोगे तो आपका भी ऐसा हो सकता है। अच्छा, जब आप एग्ज़ाम देने गए थे तो क्या लग रहा था उस टाइम पे? मेरे को डर लग रहा था कि पता नहीं होगा नहीं होगा ऐसे कुछ, लेकिन जब एग्ज़ाम दे रही थी ना तब ऐसा लगा कि इस बार हो जाएगा। एग्ज़ाम हॉल से जब निकले तब क्या लगा? ऐसा लगा कि हो जाएगा, सबकी बार तो होगा। हाँ, फिर उसके बाद क्या किया आपने? क्योंकि आप जैसे रिटर्न की तैयारियाँ कर रहे थे तो जाहिर है कि आपने फिजिकल तो किया नहीं होगा। हाँ, नहीं। तो फिर क्या किया आपने, जैसे कि एग्जाम देने के बाद में फिर आपने क्या किया? फिर मेरे को लगा कि इस बार हो जाएगा, फिर फिजिकल की तैयारी भी करनी थी, फिर बाद में मैंने मेरी फ्रेंड से पूछा तो आईडिया के बारे में बताया था कि वहाँ चली जा, वहाँ अच्छी फिजिकल की तैयारी करवाते हैं देवेंद्र सर, तो फिर मैं यहाँ आ गई। कौन थी आपकी फ्रेंड? शारदा। शारदा, बिल्कुल। शारदा हमारे पास आई थी, शायद राजस्थान पुलिस के लिए आई थी, SSC GD के लिए आई थी, राइट? ओके ओके। मेडिकल में क्या पॉइंट मिला था? पॉइंट नहीं मिला, कट ऑफ से रह गई। कट ऑफ से रह गई थी, बिल्कुल। तो उन्होंने रिकमेंड किया आपको, और जैसे उन्होंने रिकमेंड किया आपने यहाँ वैसा ही पाया या उससे क्या बेटर या कम पाया? वैसा ही पाया। वैसा ही पाया। हाँ, जैसा उन्होंने बताया। हाँ, तो कैसा, क्या स्टैंडर्ड था आपका, मतलब जब आप यहाँ फिजिकल के लिए आए तब आपका क्या स्टैंडर्ड था? बिल्कुल भी, मतलब कि एकदम लो था, कभी मैंने मतलब रनिंग की नहीं थी, 0 लेवल से स्टार्ट किया था, फिर आपने तैयारी करवाई तो बहुत अच्छा हो गया। तो जब आप फिजी, मुझे ध्यान है कि एक बार आप ना ग्राउंड के अंदर गिर गए थे, चक्कर आ गए थे, गिर रहे थे,
उस वक्त आप होपलेस थे, आपको लग रहा था कि पता नहीं कैसे होगा, होगा कि नहीं होगा, मेरा टाइम भी नहीं आ रहा, उस वक्त क्या लग रहा था? उस वक्त तो ऐसे लग रहा था पता नहीं होगा नहीं होगा, लेकिन आपने कहा था कि पॉजिटिव रहना, तो मतलब ये बात मेरे को याद थी, तो ग्राउंड में मेरे ये आया ही नहीं कि नहीं होगा। हाँ। तो जब आप यहाँ से जा रहे थे उस वक्त क्या लग रहा था आपको? उस वक्त भी यही लग रहा था कि पता नहीं होगा नहीं होगा ये, लेकिन जब वहाँ पे सेंटर पे गई ना, तो मतलब वहाँ चली गई सेंटर पे तब भी यही आ रहा था बाहर खड़े खड़े, लेकिन जब वहाँ पे अंदर चली गई उसके बाद में ऐसा कुछ भी नहीं आएगा कि इस बार नहीं होगा, हो गया। बिल्कुल हुआ आपका। हाँ। बहुत बढ़िया। तो जब आपने फिजिकल किया उसके बाद फिर क्या किया आपने? उसके बाद फिर और फिर तैयारी स्टार्ट कर दी दूसरी तैयारी। तो अभी जैसे यहाँ आप जब फिजिकल के लिए आए थे तब यहाँ मेडिकल टेस्ट किया था आपका? हाँ। तो उस वक्त कोई पॉइंट बताया था क्या आपको? नहीं ऐसा कुछ नहीं। आपको फिट बताया था और फिर आप वहाँ भी फिट हुए? हाँ बिल्कुल। तो आपने जो ओवरऑल यहाँ पर कितने समय निकाला? मैंने यहाँ पे 4 महीने निकाले। 4 महीने का क्या आपका एक्सपीरियंस रहा, 4 महीने में आपने क्या देखा यहाँ, उसके लिए क्या रिव्यू देना चाहोगे? मतलब गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के लिए हॉस्टल है और बेस्ट है हॉस्टल, और खाने वाने की व्यवस्था भी अच्छी है, और फिजिकल के लिए रिटर्न के लिए सबके लिए बेस्ट है। बेस्ट है। हाँ। मतलब कि कोई भी अगर जो भी अपना इस चैनल को अभी देख रहे हैं, इसके माध्यम से काफ़ी बच्चे हैं जो कि रूरल से भी हैं, गाँव से भी हैं, और जो पेरेंट्स हैं गाँव में वो बच्चियों को भेजते हुए थोड़े हिचकते हैं कि पता नहीं कैसी जगह है, क्या है, पता नहीं उनका ध्यान रखा जाता है कि नहीं रखा जाता, तो उनको क्या मैसेज देना चाहोगी जो अपनी बेटियों के लिए ज़्यादा चिंतित है? ये है कि मतलब बेफिक्र होके भेजो, क्योंकि यहाँ पे सर और मैम है तो अपने बच्चों की तरह ख्याल रखते हैं उनका, तो टेंशन करने की तो कोई बात ही नहीं है। और अगर वो इतनी दूर से जब यहाँ भेज रहे हैं तो क्या सफलता उनको मिलेगी? हाँ जरूर मिलेगी, मेहनत करेंगे तो मिलेगी। तो यहाँ अच्छा एनवायरनमेंट वगैरह सब है? हाँ। तो आपने जैसे 4 महीने में यहाँ बिताया, इसके दौरान कोई ऐसी घटना या कोई ऐसा वाक्या या कोई ऐसा जो कि आपको प्रेरित करता है या कोई ऐसी कोई बात जो आपको मोटिवेट करती है, ऐसा कुछ हुआ है यहाँ? हाँ, जब भी किसी का फाइनल सिलेक्शन होता है, सबसे बड़ा जो ग्रुप डी का फाइनल सिलेक्शन हुआ था उनका प्रोग्राम था, तब ऐसे लगा कि हाँ मेरे को भी यहाँ पे ऐसे करना है। हाँ बिल्कुल, और आपने वो किया है, तो बिल्कुल आपका जब फाइनल सिलेक्शन हो जाता है तो बिल्कुल आपको उसी तरीके से आपको किया जाएगा और आपको एक साफा भेंट किया जाएगा जो कि अक्सर मैं करता हूँ, और ये एक मोटिवेशन है जो कि बच्चे देखते हैं, उन सभी के लिए एक बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन है। और इसके अलावा और क्या कोई टिप्स ऐसी जो कि आप किसी को देना चाहते हो, जो एसएससी जीडी अभी वापस एसएससी जीडी की वैकेंसी आ रही है, तो जो बच्चे तैयारियां कर रहे हैं उनको क्या मैसेज देना चाहते हो कि उन्हें किस तरह से ध्यान रखना चाहिए, क्या करना चाहिए? मतलब सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ो, सिलेबस जितना उतना ही पढ़ो, ज़्यादा पढ़ने से कुछ नहीं होगा। फिर और जो सिलेबस है ना उसको बार बार रिवाइज करो। बिल्कुल जी हाँ दोस्तों, जैसे कि अभी रीना ने बताया कि एसएससी जीडी की दोबारा वैकेंसीज आपके सामने हैं, अगर आप पिछली वैकेंसीज में किसी कारण से रह गए हो, नहीं कर पाए हो, या आर्मी से ओवरेज हो गए हो, तो आपके पास 23 साल का ये मौका है, और अगर जिस कैटेगरी से हो आप उसमें और छूट मिल जाएगी। तो आपको तैयारी आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग करनी है, उसके इर्द गिर्द ही तैयारी करनी है, ऐसा नहीं है कि आप भटकाव में चल रहे हो, आप चाहे जो ही पढ़ते जा रहे हो तो सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन उनका होता है जो लिमिटेड और बार बार पढ़ते हैं। आपका जो सिलेबस है वो तकरीबन 3-4 बार रिवीजन हो जाना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप जब वैकेंसी आने वाली है तब पढ़ाई शुरू करते हो। तो अगर इसी तरह से, तो दोस्तों अपने इस चैनल पे समय समय पर मैं ऐसे ही पर्सनैलिटी को लेकर आता हूँ जिन्होंने लाइफ में कुछ सब बड़ा किया है, तो इसी तरह से हम और लेते आएंगे। तो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। लिया हो मिठाई? लिया हो। तो अभी मिठाई आ गई है, ये हमारे वीर सर हैं जो अभी मिठाई लेकर आए हैं, तो मुंह मीठा हो जाए आपका। बिल्कुल ये थैंक यू, और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना कीमती समय दिया इसके लिए। आईडिया परिवार की तरफ से आपको एक बार और ढेर सारी बधाई, और साथ ही मैं पहले ही एडवांस में आपको फाइनल के लिए सिलेक्शन के लिए बधाई देता हूँ। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।